मेरे दोस्त, क्या आपके भी यूट्यूब पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा? क्या आपने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक को यूज भी किया फिर भी आपके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है? तो दोस्तों, आज मैं आपको वाटिस्ट एप्लीकेशन में आपको ऐसे एक सेटिंग के बारे में बताने वाला, अगर इस सेटिंग को आप ऑन कर लेते हो तो आपके यूट्यूब पर बहुत तेजी से सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे दोस्तों, यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, मैंने अपना वाटिस्ट एप्लीकेशन से मैंने एक सेटिंग को ऑन किया और यहाँ पर देखिए 999 सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट हो गया। सिर्फ मैंने एक सेटिंग को ऑन किया दोस्तों, यहाँ पर 999 सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ पर दोस्तों एक सब्सक्राइबर और मेरा आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मेरे ऑन के सब्सक्राइबर मेरे यूट्यूब चैनल कंप्लीट हो जाएगा। तो एक यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के कितने सब्सक्राइबर चाहिए? 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। और यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, मेरा 1000 सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट होने वाला है। तो अगर आप भी दोस्तों अपने वाइटिस्ट इस सेटिंग को ऑन करते हो तो आपको भी यूट्यूब दोस्तों बहुत तेजी से सब्सक्राइबर आपको बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला कि आपको अपने वाइटिस्ट में कौन सा सेटिंग को ऑन करना जिससे आपके यूट्यूब पर बहुत तेजी से सब्सक्राइबर आपका बढ़ेगा। तो अगर आप भी दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो को एंड तक आप पूरा जरूर देखना। और आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पहली बार और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आइए करते वीडियो को स्टार्ट। तो देखो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको अपना वाइटिस्ट वीडियो कौन सा सेटिंग को ऑन करना जिससे आपके चैनल पर तेजी से सब्सक्राइबर आपको बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या दोस्तों, आपको अपना जो वाइटिस्ट एप्लीकेशन जो ये दिख रहा है, ठीक है, अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपका जो यूट्यूब चैनल का जो ईमेल आईडी है उससे इसको साइनअप कर लेना, तभी दोस्तों इस सेटिंग को आप अपने वाइटिस्ट में कर पाओगे जिससे आपके चैनल में सब्सक्राइबर आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको वाइटिस्ट एप्लीकेशन में आपको नहीं जाना है, यहाँ पर जो मोबाइल में क्रोम ब्राउजर दिया है, एक क्रोम ब्राउजर से दोस्तों आपको अपने वाइटिस्ट में सेटिंग को करना है। ठीक है, तो आपको करना क्या दोस्तों, सिंपली आपको क्रोम ब्राउजर को सबसे पहले ओपन करना है। ठीक है, क्रोम ब्राउजर जो ओपन करोगे यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ओपन होकर यहाँ पर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या, यहाँ पर देखिए साइड में आपको 3 डॉट आपको दिख रहा है या फिर आपको एरो जैसा दिख सकता है। ठीक है, तो सिंपली क्या करना, इसमें कर लेना है क्लिक। इसमें जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको न्यू टैब दिया ऊपर में, न्यू टैब में कर लेना है क्लिक। यहाँ पर एक फ्रेश पेज को ओपन करना है क्रोम ब्राउजर में। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरा फ्रेश पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर देखिए आपको यूट्यूब का जो लोगो आएगा, तो सिंपली क्या करना है, यूट्यूब के लोगो में कर लेना है क्लिक। ध्यान से हर एक स्टेप पर देखते जाना। ठीक है, यूट्यूब के लोगो में कर लेना क्लिक, इस प्रकार से इंटरफेस आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको ओपन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ पर इसको अच्छे तरह से ओपन होने देना है। अगर आप जल्दीबाजी करोगे दोस्तों फिर को आपको मिस्टेक हो जाएगा, फिर आपके चैनल में सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेगा। तो आपको धीरे धीरे सब कुछ आपको सेटिंग करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इंटरफेस आपको ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पर साइड में देखा होगा प्रोफाइल लोगो दिखेगा, जो आपका जो यूट्यूब चैनल है ना उसका प्रोफाइल लोगो यहाँ पर आपको दिखेगा साइड कोने में। तो इसको आप चेक जरूर कर लेना है कि आपको प्रोफाइल लोगो यहाँ पर दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर आपका दिख रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर सिंपली क्या करना, प्रोफाइल लोगो कर लेना है क्लिक। इस प्रकार से प्रोफाइल लोगो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखना दोस्तों, आपको यहाँ पर ऊपर में देखिए आपको ब्लू कलर में आपको छोटा वर्ड में लिखा होगा व्यू और चैनल। ठीक है, तो सिंपली क्या करना, व्यू और चैनल में कर लेना है इस प्रकार से क्लिक। इसमें जैसे आप क्लिक करोगे इस प्रकार से देखिए यहाँ पर इंटरफेस आपका आ जाएगा अगला पर। ठीक है, यहाँ पर आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन आएगा कस्टमाइज चैनल का, तो सिंपली क्या करना है, कस्टमाइज चैनल में कर लेना है क्लिक। कस्टमाइज चैनल में जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए आगे को इस प्रकार से आपका इंटरफेस ओपन होकर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको वेट करना, जो भी आपको यहाँ पर समय लगेगा यहाँ पर वेट करना है, यहाँ पर बैक प्रेस वगैरह कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो फिर आपके चैनल में सब्सक्राइबर आपका नहीं बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होने में कुछ टाइम आपको लगेगा, जो भी लगेगा 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड जितना भी लग सकता है आपको वेट करना है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, मैं कुछ सेकंड को वेट किया, वेट करने में यहाँ पर देखते हैं मेरा जो पेज है पूरा अच्छी तरह से ओपन होकर मेरा आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम करना है। ठीक है, जूम करने बाद देखो दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा बहुत सारा, यहाँ से आपको ऑप्शन आ रहा है दोस्तों इस जगह, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर चैनल बैनर चैनल साइज का बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें आपको कुछ छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली क्या करना, ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर नीचे देखना दोस्तों आपको एक सेटिंग का आपको प्रोफाइल लोगो दिखेगा। ठीक है, सेटिंग आपको लोगो दिखेगा तो इसमें सिंपली कर लेना है, सेटिंग के लोगो में कर लेना है क्लिक। सेटिंग के लोगो जैसे आप क्लिक करो तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से आपको इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखना, बहुत सारा सेटिंग आपको यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 आपका सेटिंग यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा सेटिंग आपको करना है जिससे आपके चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ेगा, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ पर दूसरे में जो चैनल का जो ऑप्शन आ रहा है सिंपली कर लेना, चैनल के ऑप्शन में कर लेना क्लिक। चैनल के ऑप्शन में जब क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत सारा इस प्रकार से आपको इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ऑप्शन आएगा, बेसिक इन्फो, एडवांस सेटिंग एंड फीचर इनबिलिटी। तो आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ पर बेसिक इन्फो में आपको रहना है, ये सब सेटिंग में आपको नहीं जाना है, नहीं तो फिर दोस्तों क्या होगा, आपके चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेगा। आपको बेसिक इन्फो में वो सेटिंग करना जिससे आपके चैनल पर सब्सक्राइबर आपको बढ़ेगा। तो आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर जो कंट्री आपका है इंडिया पर सिलेक्ट करना, आप जिस भी कंट्री से हो अपना कंट्री आपको सिलेक्ट यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो मेरे इंडिया पर सिलेक्ट है तो अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना। आप नीचे यहाँ पर देखो दोस्तों कीवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, यहीं पर वो सेटिंग करना है जिससे आपके चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या वो सेटिंग करना है, ध्यान से देखना, यहाँ पर यहाँ वाला पॉइंट आप मिस मत करना, नहीं तो फिर आपके चैनल में सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर आपको करना का दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारे यहाँ पर देखे दोस्तों, मैंने यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड को डाल के रखा हूँ, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो नए नए क्रिएटर रहते हैं यहाँ पर कुछ कीवर्ड को नहीं रहते, यहाँ पर पूरा ब्लैंक रहता है उसका, कोई कीवर्ड यहाँ पर डाल के रखते ही नहीं है, जिसके कारण से उसका यूट्यूब में सब्सक्राइबर बढ़ता नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको कौन सा कीवर्ड डालना जिससे आपके चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ेगा, वो चीज यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने अपने चैनल का नाम बहुत सारा यहाँ पर डाल के रखा हूँ, चैनल का नाम, और यहाँ पर आप नीचे देखो दोस्तों क्या मैं डाला हूँ। यहाँ पर देखिए मैं अपने चैनल के जो मेरा जो कैटेगरी है उसके वही कैटेगरी के अनुसार से जो बड़ा चैनल है, जैसे तो मनोज हो गया, टीचर सपोर्ट हो गया, टेक्निकल योगी हो गया, क्रिएटर टू पॉइंट सर्च हो गया, उसका भी यहाँ पर नाम मैंने मेंशन करके रखा हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन करके रखा हूँ। तो इस प्रकार से आपको करना क्या, आप जिस भी कैटेगरी का वीडियो बनाते हो, जरूरी नहीं कि मेरा ही कैटेगरी आपका, आपका जो भी कैटेगरी आपका वीडियो है, जैसे दोस्तों आपको ब्लॉगिंग कुकिंग इंटरनेट में जो भी आपका कैटेगरी है, तो उसमें आपको करना क्या दोस्तों, आपका जो कैटेगरी चैनल है उसमें देखना दोस्तों, जो बड़े चैनल आपका है जिसमें दोस्तों मिलियन में सब्सक्राइबर है, उसका चैनल का नाम दोस्तों यहाँ पर आपको कीवर्ड में आपको मेंशन करना है, यहाँ पर कीवर्ड में आपको डालना है, और कम से कम यहाँ पर 5 चैनल आपको लेना है। आपका जो चैनल रहेगा उससे बड़ा चैनल जिससे चैनल मिलियन सब्सक्राइबर है, आपका कैटेगरी वाला, दूसरा कैटेगरी नहीं लेना है, अपना कैटेगरी का आपको यहाँ पर यूट्यूब में जाकर सर्च कर लेना कि मेरा कैटेगरी में सबसे बड़ा बड़ा चैनल कौन सा है। तो वैसे आपको 5 चैनल आपको सर्च करना है और 5 चैनल का नाम यहाँ पर आपको लिख डालना है। अब इससे अपने चैनल में सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से डाल लेना, डालने वाले दोस्तों को क्या करना है, इस प्रकार से आपको आ जाना है बैक, बैक आने वाले आपको करना क्या, आपको चले जाना है आपको अपने यूट्यूब पर, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पर आपको चले जाना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको चले जाना यूट्यूब पर, यूट्यूब पर जाने के बाद क्या करना, हमें चले जाना इस प्रकार से प्रोफाइल पर, ठीक है, अनु प्रोफाइल पर चले जाना, और यहाँ पर दोस्तों में वीडियो में सेशन में क्लिक कर लेना। अब यहाँ पर दोस्तों करना क्या, आपने जो रिसेंट में जो वीडियो अपलोड किया, जैसे दोस्तों आज अपलोड किया, कल अपलोड किया, परसों अपलोड किया, जो भी आपने रिसेंट में जो वीडियो अपलोड किया लेटेस्ट में, ठीक है, उसका कोई एक वीडियो का लिंक आपको कॉपी कर लेना। जैसे दोस्तों यहाँ पर चलिए मैं इस वीडियो का लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इस वीडियो का लिंक मैंने कर लिया हूँ कॉपी, कॉपी हो चुका है। कॉपी होने बाद दोस्तों क्या करेंगे, फिर से हम चले जाते हैं इस क्रोम ब्राउज़र में, यहाँ पर इस प्रकार से आपको भी चले जाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको करना है क्या, यहाँ पर जैसे दोस्तों अपना जो बड़ा बड़ा चैनल का अपना नाम है मेंशन मैंने करके रखा, आपको भी इस प्रकार से करना है। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, जिस वीडियो का लिंक मैंने अभी कॉपी किया हूँ लेटेस्ट वीडियो का, उस वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पर इस प्रकार से, मैं थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर इस प्रकार से लिंक मैंने डाल दिया, इस प्रकार से आपको भी डाल देना है। अब इससे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेगा इस चीज को आप यहाँ पर सुनो आप, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने बड़ा बड़ा चैनल का यहाँ पर नाम मेंशन किया, जिसके चैनल में दोस्तों ऑलरेडी पहले से आप मिलियन में सब्सक्राइबर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों मैंने अपने वीडियो का लिंक डाल दिया हूँ, जो मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसका लिंक मैंने यहाँ पर डाल दिया हूँ। अब दोस्तों इससे मेरे चैनल में सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेगा इस चीज को आप ध्यान से सुनो। अब देखो दोस्तों होगा क्या, यहाँ पर देखो तो जो बड़े बड़े चैनल हैं, ठीक है, जो भी कोई YouTube में जाके दोस्तों सर्च करेगा, जैसे सर्च करेगा मनोज दे, जैसे मनोज दे सर्च करेगा उसका चैनल वहां पर मनोज लेके आ जाएगा। लेकिन जो मेरा ये जो वीडियो है, जब वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पर डाला हम, ये वीडियो दोस्तों उसके चैनल के नीचे मेरा वीडियो वहां पर आ जाएगा, उसका जो चैनल देगा उसके नीचे मेरा वीडियो आ जाएगा। तो को अगर मनोज दे वहां पर लिख के सर्च कर रहा है, ठीक है, तो उसके नीचे मेरा वीडियो आ जाएगा, उसके चैनल के नीचे मेरा वीडियो आएगा। अगर मेरे वीडियो में दोस्तों वहां पर जो थंबनेल रहेगा, वो थंबनेल में कुछ अनेक प्रकार में थंबनेल में उस वीडियो में लगाया होगा, आप फिर कुछ कुछ मैं ऐसे कुछ लिखा होगा जिससे उसमें कुछ लोगों को अट्रैक्टिव करेगा मेरा थंबनेल, तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, मेरे वीडियो को वो क्लिक करके देखेगा, चैनल को नहीं क्लिक करेगा, मेरे वीडियो को क्लिक करेगा, क्योंकि जो मेरा जो थंबनेल है वो अट्रैक्टिव थंबनेल मेरा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, मेरे थंबनेल को क्लिक करेगा, ठीक है, क्लिक करेगा, मेरे वीडियो वहां पर चलना शुरू हो जाएगा, वीडियो चलना शुरू हो जाएगा दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा रहेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, 100% सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मेरे वीडियो अगर किसी को पसंद आएगा तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। मेरा जो कैटेगरी है वो सेम है, जो मनोज जो वीडियो बनाता है वही वीडियो हम बनाते हैं, तो अगर मेरा वीडियो भी पसंद आएगा तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, हमसे भी वो जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जो जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हूँ, जो जो यहाँ पर दोस्तों अगर मान के चलो को टीच चैंपियन सपोर्ट लेकर सर्च करेगा, तो उसका चैनल के नीचे यूट्यूब मेरा भी वीडियो वहाँ पर भेज देगा तुरंत, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं जो कीवर्ड में, ये जो कीवर्ड में कीवर्ड है उसका नाम लिखा, और यहाँ पर मैंने वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पर डाला हूँ, आप देख सकते हो, मैंने कहीं दूसरे नहीं डाला, यहाँ पर देखिए कीवर्ड में अपने वीडियो का लिंक डाल दिया, ताकि कोई भी इस प्रकार से कोई भी यहाँ पर नाम सर्च करेगा यूट्यूब में, तो उसके चैनल के नीचे मेरा वीडियो यूट्यूब तुरंत रिकमेंड करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके चैनल बहुत तेजी से सब्सक्राइबर आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर जो भी बड़ा चैनल रहेगा दोस्तों, बड़ा चैनल जिसके चैनल में मिलियन सब्सक्राइबर है, मिलियन सब्सक्राइबर रहेगा दोस्तों, वो ऑलरेडी वो चैनल को क्या सर्च करके लोग देखते हैं, ठीक है, तो वहां पर सर्च करेगा, उसका चैनल आएगा, चैनल के नीचे मेरा वीडियो आएगा, मेरा वीडियो आएगा दोस्तों, ऑलरेडी मेरे चैनल वीडियो में क्लिक करेगा वो, और क्लिक करेगा मेरे वीडियो अगर पसंद आएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो इस प्रकार से आपको करना का दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को यहाँ पर जरूरी नहीं कि इस वीडियो का आपको लिंक यहाँ पर पेस्ट करके छोड़ देना, आपने जो जो नया नया वीडियो पोस्ट कर रहे तो आपको करना का यहाँ पर इस प्रकार से आपको कट कर देना है, फिर से यहाँ पर दूसरा वीडियो यहाँ पर डाल देना, जो आपको लेटेस्ट वीडियो लेगा उसका लिंक यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है, इस प्रकार से आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको करना का यहाँ पर नीचे जो आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन रहेगा, सिंपली क्या कर देना, इसको सेव कर देना है, इस प्रकार से आपको सेव कर देना है। सेव करने से क्या होगा, आपको यहाँ पर कीवर्ड में आपको सेव हो जाएगा।
आप जो भी YouTube पर जाकर सर्च करेगा, आपको जो बड़ा चैनल लगा जो भी वहां पर जाकर सर्च करेगा, तो सर्च करने के बाद उसके चैनल के नीचे आपका वीडियो आएगा, तो लोग आपको वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि आपको कैटेगरी आपका सेम है, कोई दूसरा कैटेगरी आप नहीं बनाते हो। अगर आप ब्लॉगिंग का वीडियो बनाते हो तो ब्लॉगिंग का वीडियो बनाते हो दोस्तों, वहां पर आपको सौरभ जोशी है, वहां पर आपको टारगेट करो उसको, और कोई दोस्तों बड़ा चैनल है उसको टारगेट करो। क्योंकि देखो दोस्तों, जो बड़ा चैनल होता है ना, मान के चलो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे सौरभ जोशी हो गया, तो सौरभ जोशी जैसे वीडियो अपलोड करता है दूसरे वीडियो में तुरंत दोस्तों 1-2 मिनट के 10 मिनट के अंदर मिलियन में व्यूज आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको चैनल को लोग दोस्तों सर्च करके ज्यादा वो देखते होंगे, तो मान के दोस्तों उसके कोई भी अगर 1,000 लोग 2,000 लोग सर्च करके देख रहे हैं, तो कम से कम दोस्तों अगर हमारा वीडियो कोई 100 ही लोग वहां पर क्लिक करके वो देख रहा है, तो 100 लोग में कम से कम 50 लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, तो 50 सब्सक्राइबर बढ़ेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना, आपने से बड़े जो चैनल रहेगा कम से कम 5 चैनल को आपको टारगेट करना है, और वहां पर आपको चैनल में आपको डालना है कीवर्ड में, और वहां पर अपने लेटेस्ट वीडियो आपको डालते जाना, जैसे आज डाल देना, फिर दोस्तों कल क्या करना, कल जो वीडियो अपलोड करोगे कल उस वीडियो का लिंक वहां पर डाल देना दोस्तों को हटा के। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको कम से कम 15 दिन ट्राई करो, आप 15 दिन ट्राई करने के बाद देखना दोस्तों आपको 100% आपको सब्सक्राइबर आपके चैनल बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर कोई मैं आपको फर्जी तरीका मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, जेन्युइन तरीका मैं बता रहा हूँ, आपको कैटेगरी के अनुसार आपको सब्सक्राइबर मिलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की जो मैंने आपको बताया दोस्तों वीडियो आपको इंपॉर्टेंट है, वीडियो इंपॉर्टेंट को लाइक जरूर कर देना, वो मेरे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ नोटिफिकेशन आपको ऑल करना ताकि जब मैं वीडियो पोस्ट करूँ वो सब नोटिफिकेशन आपको मिले, उस वीडियो को अभी आप देख सको। चलिए मैंने किसी वीडियो में इतना ख्याल रखिएगा दोस्तों, जय हिंद जय श्री राम।